पॉलिटेक्निक कोर्सेज को आज एक खास पहचान मिल चुकी है, तभी तो इनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी है। और पॉलिटेक्निक कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स को मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हुई है, इसीलिए इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। इसका मेन रीजन यही है कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कुछ डिफरेंट करना, एडवांस्ड और प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि पढ़ाई कंप्लीट होते ही जॉब मिलने के चांसेस बढ़ सके। और पॉलीटेक्निकल टेक्निकल कोर्सेज में डिप्लोमा है, यानी ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो टेक्निकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री लेने वाले ऑर्डिनरी रास्ते पर चलना पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें क्लास टेंथ के बाद से ही अपने लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए। और फिर पॉलीटेक्निक कोर्सेज इंजीनियरिंग और इसके सब्जेक्ट्स के टेक्निकल पार्ट की अच्छी खासी नॉलेज भी तो प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी पॉलीटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, वो भी स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस में, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक कोर्सेज पर एक नजर डालते हुए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स की फुल डिटेल जानने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉलीटेक्निक में कौन कौन से कोर्सेज के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। पॉलीटेक्निक कोर्सेज में आपको मिलने वाले ऑप्शंस बहुत से हैं, जैसे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा इन फैशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिरेमिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन आईटी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसे बहुत से और भी कोर्सेज के ऑप्शंस हैं। और इन ऑप्शंस में से आज इस वीडियो में आगे बात करते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को शॉर्ट में DCSE भी कहा जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर शुरू कर पाएंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन पॉलीटेक्निक एक डिप्लोमा बेस्ड कोर्स है, जिसे कंप्लीट होने में 2 से 3 साल का टाइम लगता है। इस कोर्स में स्टूडेंट को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, C#, HTML, JavaScript की फंडामेंटल नॉलेज तो मिलती ही है, साथ ही इससे रिलेटेड बाकी ऑब्जेक्ट्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलते हैं। बाकी पॉलीटेक्निक कोर्सेज की ही तरह इस कोर्स को भी इंडस्ट्री डिमांड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। आइए अब इस कोर्स में एडमिशन के क्राइटेरिया की बात करते हैं। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका 10th प्लस क्लास पास होना जरूरी है, यानी आप 10th के बाद, 12th के बाद या ITI पास करने के बाद इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यूं तो इन क्लासेस में आपके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 35 से 50% तक होने चाहिए, यानी कि 35 से 50%, लेकिन क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव कोर्स है जिसमें बहुत से टॉप इंस्टीट्यूट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पर ही एडमिशन देते हैं, इसलिए स्कूल लेवल पर अपना स्ट्रॉन्ग स्कोर तैयार करें ताकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके और आपके करियर को भी सपोर्ट मिल जाए। अब जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इस कोर्स में एडमिशन डायरेक्ट भी होता है और एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड भी होता है, यानी कई कॉलेजेस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन देते हैं, तो कई कॉलेजेस 10th, 12th या ITI के एग्रीगेट मार्क्स के बेस पर, इसीलिए आपको दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए आसान हो सके। आइए अब आपको बताते हैं इंडिया के ऐसे बेहतरीन पॉलीटेक्निक कॉलेजेस के नाम जहां से आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पॉलीटेक्निक मुंबई, श्री भगुभाई माफातल पॉलीटेक्निक महाराष्ट्र, GD गोयंका यूनिवर्सिटी गुड़गांव, यमुना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस चंडीगढ़, देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस राजस्थान, GLA यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, रायत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता। इस कोर्स की एक साल की फीस 30,000 रूपए हो सकती है और इस अमाउंट में कॉलेजेस के अकॉर्डिंग वेरिएशन भी मिल सकता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कौन से ऑप्शंस मिलेंगे। पॉलीटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोर्स करने के बाद आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस में वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, प्रोग्रामर, डिजिटल मार्केटिंग और UI डेवलपर जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आज बहुत डिमांड में बने हुए हैं
और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप 15,000 पर मंथ सैलरी के साथ शुरुआत कर सकते हैं और ये सैलरी आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज और अप्लाई की जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगी और एक्सपीरियंस के साथ साथ इंक्रीज भी होती जाएगी। लेकिन अगर आप इस डिप्लोमा कोर्स के बाद अपनी स्टडी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं ताकि आपको करियर में ज्यादा बेनिफिट मिल सके, तो आप बीटेक डिग्री कोर्सेज में लेटरल एंट्री के जरिए एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट या एंट्रेंस टेस्ट बेस पर एडमिशन लिया जा सकता है, जिसके लिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंप्लीट किए गए डिप्लोमा कोर्स में मिनिमम 45% मार्क्स होने जरूरी है, यानी कि 45%। ये कोर्स करके आपको एडवांस नॉलेज मिलेगी और आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकेंगे। और फिर आजकल बीटेक लेटरल एंट्री कैंडिडेट्स की डिमांड भी तो काफी ज्यादा पड़ने लगी है और ये कोर्स करने वाले कैंडिडेट्स को मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज और सैलरी पैकेज भी काफी बढ़ जाता है। इसलिए डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स इस कोर्स में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेने लगे हैं। इस लेटरल एंट्री एडमिशन के जरिए स्टूडेंट्स को बीटेक कोर्स के सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है और उनका बीटेक कोर्स 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। वैसे ऐसे कुछ कॉलेजेस के नाम भी आपको हम बता देते हैं यहाँ पर, जहाँ से आप बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि DTU दिल्ली, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब, अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल, MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। तो अब पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स और डिप्लोमा कोर्स को लेकर के अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता देते हैं कि ये दोनों कोर्सेज काफी सिमिलर होते हैं और इनमें टाइम पीरियड और कोर्सेज का ही डिफरेंस होता है। यानी डिप्लोमा कोर्सेज शॉर्ट पीरियड कोर्सेज होते हैं जो 1 से 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं और ये स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए ट्रेन करते हैं, जबकि पॉलिटेक्निक कोर्सेज हायर स्टडी प्रोग्राम्स पर फोकस करते हैं और इनके द्वारा ऑफर की जाने वाली टेक्निकल डिग्री प्रोग्राम्स की ड्यूरेशन अक्सर 3 साल होती है। और जहां तक बीटेक और पॉलिटेक्निक कोर्स के डिफरेंस की बात है, तो बीटेक एक डिग्री कोर्स है जबकि पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। दोनों की ड्यूरेशन में भी डिफरेंस है, यानी कि बीटेक कोर्स 4 साल में कंप्लीट होता है जबकि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 साल में। इसी तरह इनके एडमिशन प्रोसेस में भी डिफरेंस मिलता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन के लिए आप 10th क्लास पास आउट होने जरूरी है, जबकि बीटेक में एडमिशन के लिए आपका 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पास करना जरूरी होता है। और इस तरह इन डिफरेंसेस के बारे में जान लेने के साथ ही आज का ये वीडियो पूरा होता है, जिसके जरिए आपके पास पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स की सारी जानकारी आ गई है, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहनी चाहिए और आप डिसाइड करें कि जल्द ही आपको क्या करना है। वैसे आगे भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। और ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे भी आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमें लिख भेज सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगता है, पूरी टीम का एफर्ट होता है। तो बस कीजिए थोड़ा इंतजार, रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।